राज्य मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र अनलॉक होने की बात की, मगर कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने वक्तव्य से यू टर्न ले लिया, जिससे व्यापारियों में संभ्रम बना हुआ था। गुरुवार को राज्य के पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुंबई में पत्र परिषद में महाराष्ट्र अनलॉक की जानकारी दी। इस समाचार से महाराष्ट्र के व्यापारियों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी, मगर ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। मंत्री वडेट्टीवार जब नागपुर आए तो उन्होंने अपने वक्तव्य से यू टर्न ले लिया और कहा कि बैठक में इसे तत्वतः मान्यता मिली है, औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। महाराष्ट्र अनलॉक त्यामुळे एकूण भीतीचं वातावरण झालं काही भागामध्ये, जिथे मोठ्या प्रमाणात रुग्णसंख्या। महाराष्ट्र अनलॉक म्हणजे अनलॉक, महाराष्ट्र अनलॉक अशी तयार झाली। महाराष्ट्र पूर्णतः अनलॉकचा विचार होता। हे 18 युनिट 43 युनिट पैकी अनलॉक करायचं आणि तो टप्प्याने करायचा, दुसऱ्या लेवलला त्या पद्धतीने टप्प्याने करायचं, तिसऱ्या लेवलला त्या पद्धतीने, आणि जे रेड झोन मध्ये काही भाग आहे, काही युनिट जिल्हा युनिट म्हणा किंवा त्याला महानगरपालिका आणि जिल्ह्याचा वेगळा भाग धरू, त्यामुळे हा निर्णय घेत असताना थोडा जपून घ्यावा लागतो। महाराष्ट्र अनलॉक झाल्यामुळे लोक बाहेर निघतील, सर्व बाहेर पडतील आणि आज काही कोरोना संपलेला पूर्णता नाही, परंतु उद्योग सुरू झाले पाहिजेत, व्यवसाय सुरू झाले पाहिजेत, प्रशिक्षण सुरू झाले पाहिजेत, अनेक लोकांचा रोजगार इथे अडचणीत आलेला आहे। हा सगळा विचार करून काही भागात रुग्ण कमी झाल्यानंतर शिथिलताही द्यावी लागेल, परंतु काही भागात मात्र जे रिस्ट्रिक्शन आहेत, जे काही नियम आहेत, ते पुन्हा त्या आहेत, ते ठरवून दिलेले आहेत, त्यामध्ये म्हणजे लॉकडाऊन आहे तो कायम ठेवावाच लागेल, तरच आपण कोरोनावर मात करू शकू। मागच्या वर्षी पीक मध्ये जेवढी रुग्णसंख्या होती तेवढी रुग्णसंख्या आजच्या कालच्या डेटमध्ये होती, पण निकीस की हा ग्राफ खाली येतोय, पण याचा अर्थ असा नाही की पूर्णतः कोरोना संपलेला आहे, परंतु शिथिलता देणं हे मात्र नक्कीच आहे। म्हणून त्यासाठी या 5 लेवल आता तयार केलेल्या आहेत आणि या 5 लेवलनुसारच याची अंमलबजावणी होईल, याला तत्वतः मान्यता मिळाली। मंत्री विजय वडेट्टीवार के इस वक्तव्य से व्यापारियों में संभ्रम निर्माण हुआ कि महाराष्ट्र अनलॉक हो गया है या नहीं। व्यापारियों की इस संभ्रम को नागपुर के एनवीसीसी अध्यक्ष ने दूर किया। कल से महाराष्ट्र में 18 डिस्ट्रिक्ट अनलॉक होने वाले हैं। जिन डिस्ट्रिक्टों में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट्स है, वहाँ 200 लोगों को शादी की इजाजत मिल रही है, इस प्रकार की न्यूज चल रही थी। लेकिन अभी कुछ पत्रकार जो टीवी चैनलों में पत्रकार मित्र है जो ये है, उनसे बातचीत हुई और फिर से अभी कुछ खंडन की सीएमओ के तरफ से न्यूज़ आ रही है कि सीएमओ ने इस बात का खंडन करा है कि हम सोच रहे हैं लेकिन अभी ऐसा किसी भी प्रकार से डिसाइड नहीं हुआ। तो कृपा करके हमारी दुकानें कल से सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ही खोलेंगे। किसी भी प्रकार का हमको भ्रमित नहीं होना है, खास करके किसी भी व्हाट्सएप पे हमको नहीं जाना है। अभी हो सकता है और नए नए तरीके के व्हाट्सएप आएंगे, फेसबुक पे आएगा कि ये इजाज़त मिली है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारे मंत्री महोदय ने लिया था उसका सीएमओ ने बोला है कि ये अभी हम सोच रहे हैं, ऐसा हमारा किसी का कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है कि ये आने वाले समय में हमको मिल जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।